हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड ताप्ती। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आज का व्लॉग मेरी बर्थडे का व्लॉग है और मेरा बर्थडे जो है 14 फरवरी को है। तो फ्रेंड, ये वीडियो दो दिन लेट डाल रही हूँ। थोड़ा बहुत जो है हम लोग घूम फिर के आए थे तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे दो दिन टाइम लग गया वीडियो एडिट वेडिट करने में, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैं बता दूँ, हम लोग गए थे मुरथल। मुरथल जो है दिल्ली से पास में है और हमें वहाँ जाने में 1.5 घंटा टाइम लग जाता है। अगर थोड़ा ट्रैफिक है तो 1.5 घंटा, अगर ट्रैफिक नहीं है तो 1 घंटे में आप मुरथल पहुँच जाते हैं। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, मुरथल फेमस है अपने ढाबों के लिए। वहाँ बहुत सारा ढाबा है और नॉर्थ इंडियन फूड का जो है एक बहुत ही अच्छा स्पेस है वहाँ पे। आपको अगर नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है तो आप वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुरथल में अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ गई थी। चीकू जो है थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि उसे जो है धूप लग रही थी इस विंडो के साइड और उसे मेरे पास ही बैठना था, तो इस वजह से थोड़ा परेशान हो रहा था, लेकिन बाद में फिर वो एडजस्ट हो गया। हम इवनिंग में वहाँ से निकले थे 5 बजे के अराउंड एंड हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गया क्योंकि थोड़ी ट्रैफिक थी और हम गए वहाँ पे हवेली। सुखदेव तो हम बहुत बार जा चुके हैं, इसलिए इस बार हमने सोचा कि किसी और ढाबे पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये हवेली है ना, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे फूड भी अच्छा मिलता है। और चलिए मैं आपको इसका अंदर का पार्ट दिखाती हूँ और इसके फूड जो है वो दिखाती हूँ और इसके बारे में और भी कुछ बताती हूँ। स्टार्टिंग में ही पार्किंग है और उसके बाद ये सारा इतना बड़ा सा प्लेस है जो काफ़ी स्पेशियस करता है इस रेस्टोरेंट को, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ अभी बीच में फाउंटेन है जो अभी बंद किया हुआ था, आई थिंक विंटर के कारण यहाँ पे ये फाउंटेन बंद था। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, थोड़ा क्राउड कम था है। जनरली वैलेंटाइंस को लेकर हर जगह बहुत ही क्राउड थी, मतलब बुकिंग करना पड़ रहा था आपको पहले, और यहाँ पे था कि आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा था और क्राउड भी कम था। अब हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि अब हम जब भी मुरथल जाएंगे तो अलग अलग ढाबों पे ट्राई करेंगे, क्योंकि सुखदेव तो बहुत बार जा चुके हैं और वो फेमस है मुरथल में, और बाकी ढाबों के बारे में मैं आपको बताऊंगी हर वीडियो में। तो आज चलिए मैं आपको हवेली के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड, वहाँ पर 2 हवेली है, एक मन्नत हवेली और एक हवेली। तो हम हवेली में गए। यहाँ पे आउटसाइड में भी सिटिंग स्पेस है जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर में ही आप ऑर्डर दीजिए और बाहर में ही आप आराम से खा भी सकते हैं। आउटडोर सिटिंग एरिया दे रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। एज़ कम्पेयर टू सुखदेव, यहाँ वहाँ पे बहुत रश रहता है और यहाँ पे जो है इतना रश नहीं था। प्राइस में फ्रेंड इसका थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कोई ज़्यादा खास बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है यहाँ पे सारे फूड आइटम्स के, थोड़े थोड़े ज़्यादा हैं, बट आपके बजट में ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि फ्रेंड वहाँ पे बहुत रश होता है, आप सीट्स के भी वेटिंग चलते रहते हैं। यहाँ पे आपको आराम से, आप कभी भी आइएगा, आपको आराम से बहुत ही अच्छा सराउंडिंग है और बहुत ही इंजॉय करेंगे। ये देखिए, चीकू को बहुत ही मस्ती करनी थी और ये उधर उधर भाग रहा था। शुक्र था कि फ्रेंड भीड़ नहीं है, क्योंकि भीड़ जगह पे बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं। मुझे जनरली बहुत ही इस बात का टेंशन होता है क्योंकि मेरा बर्थडे वैलेंटाइंस डे के दिन ही है और हर जगह जो है ना काफ़ी रश होता है और मुझे बहुत परेशानी होती है इस वजह से। तो ये चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पर मुझे काफ़ी स्पेस मिला, बच्चों को भी काफ़ी जगह मिली जहाँ पर वो खेले और इन्जॉय किए। यहाँ पे पास में 3-4 शॉप्स भी बने हैं जहाँ पे आप अगर स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हाईवे है और जनरली हाईवे पे लोग इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ये सब मिल रहा था।
फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके आउटसाइड एरिया में हमने ऑर्डर किया राज कचौरी, पापड़ी चाट और जलेबी। जलेबी इतनी टेस्टी थी कि हम सब सबसे पहले जलेबी पिए टूट पड़े, और जलेबी बहुत ही टेस्टी थी। और चीकू ने भी थोड़ी जलेबी खाई है और उसे भी अच्छा लगा। थोड़ी बहुत जलेबी इसने अपने कपड़े पे भी गिरा ली है ना चीकू। फिर हम अंदर आ गए। अंदर में आप इसका स्पेस देखिए कितना बड़ा है, मतलब अंदर से भी बहुत बड़ा है, और विंटेज लुक दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा करता है, मतलब एक अच्छा लुक दे रहा है रेस्टोरेंट को। और मतलब बहुत ही अच्छी स्पेशियस और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। फूड भी यहाँ का अच्छा है फ्रेंड, मैं हमने ट्राई किया। और सबसे अच्छी बात एक और मैं बता दूँ, जैसे केक अगर किसी का बर्थडे आप वहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे बीकानेर भी है, हल्दीराम भी है, बहुत अलग अलग तरह के जहाँ पे केक्स मिलते हैं वो सारे स्पेस जगह भी हैं। सुखदेव में भी केक मिलता है और भी बहुत सारे ढाबा है जहाँ पे केक का मतलब अवेलेबल है, तो इसलिए आपको वहाँ पे केक मिल जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मेरे बर्थडे का केक जो हमने वहीं पर मुरथल में ही ख़रीदा, और ये काफ़ी अच्छा केक है। एक्चुअली काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, तो एक्चुअली रेड वेलवेट केक है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही स्वीट होता है, बट ओवरऑल केक इज़ गुड। जस्ट इसके बगल में ना फ्रेंड बीकानेर है, तो ये केक जो है ना हमने वहीं से लिया। फिर हमने वहाँ पे स्टार्टर ऑर्डर किया, मेन कोर्स में खाना ऑर्डर किया। और स्टार्टर का वीडियो मैं नहीं बना पाई, मैं बता दूँ वहाँ पे स्प्रिंग रोल और चिली ड्राई चिली पनीर हमने ऑर्डर किया, और दोनों ही काफ़ी टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। आपको वहाँ पे वेज खाने ही मिलेंगे, वेज खाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है वहाँ पे। नॉर्थ इंडियन फूड, स्पाइसी खाना, जो मतलब जिसे पसंद है ना, वो आप बहुत ही अच्छा स्पेस है और आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड खाना वाना हमने खा लिया था, फिर खाना खाने के बाद हम बाहर आ गए। फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, थोड़ा बहुत हम बाहर में इंजॉय किए, फिर वापस हम घर की तरफ निकल पड़े। सो फ्रेंड कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।